डलहौजी मंडल की ग्राम पंचायत हरला में आज महिलाओं द्वारा एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाजसेवी अंजू धीमान विशेष तौर पर उपस्थित रही। बैठक का मुख्य उद्देश्य इस पंचायत में एक महिला मंडल बनाना था, जिसकी सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी है। इसका श्रेय महिलाओं ने अंजू धीमान को दिया। इसके लिए ही महिला मंडल ने अंजू धीमान का आभार प्रकट करने के लिए उन्हें यहाँ बुलवाया था। इस बैठक में हरला पंचायत की प्रधान पूजा देवी, महिला मंडल की प्रधान लता सूर्यवंशी सहित महिला मंडल की समस्त महिलाओं ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें खास तौर पर नशे के खात्मे और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। अंजू धीमान ने कहा कि वो सभी महिलाओं के साथ हमेशा खड़ी है। आर्या टाइम्स वेब टीवी के लिए सलूनी से रेखा कुमारी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अंजू धीमान आज ग्राम पंचायत हडला के भ्राण गांव में आई हूँ। आज मेरा यहाँ आने का एक ही उद्देश्य था। पिछली बार जब मैं इस गांव में आई थी तो इन सब महिलाओं ने एक अपना बात रखी थी कि हमने हमारे गांव में महिला मंडल बनाना है। तो इन सब लोगों ने, इन सब महिलाओं ने मिलकर के एक महिला मंडल बनाया, जो ये महिला मंडल की रजिस्ट्रेशन है और महिला मंडल रजिस्टर्ड हो चुका है। अब इन महिलाओं का आगे का ये विचार है कि जो ब्लॉक की, जो डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी योजनाएं हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या किसी भी प्रकार की जो भी सुविधाएं हैं, वो इन महिला मंडल वालों को मिले। इसके साथ ही मैं सभी विभाग से ये निवेदन करना चाहूँगी कि वो सभी महिला मंडल को बताएं, महिला मंडल को जागरूक करें उन सब योजनाओं के बारे में, ताकि महिलाएं जो हैं वो इन सभी योजनाओं का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।